जय हिंद जय भारत। अपने YouTube चैनल जांगीर शेखावाटी पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बिदासर शहर के अंदर जिला चुरू में आसपास के क्षेत्रों में बचपन प्ले स्कूल खुल चुका है और बचपन प्ले स्कूल की काफी डिमांड थी, अलग शहरों से डिमांड आ रही थी और काफी कुछ जो समस्याओं का हम कह सकते हैं समाधान हो भी रहा है। बचपन इस प्ले स्कूल है जो खुल भी रहे हैं और बच्चों को एक नए जमाने का स्कूल मिल भी रहा है। उसके उपरांत जो लाडनू है, सुजानगढ़ है, चूरू है, सब जगह बचपन प्ले स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन बिदासर तहसील के अंदर बड़े ही सौभाग्य की बात आज बिदासर शहर के लिए कि आज बचपन प्ले स्कूल बिदासर में खुला है और एक बच्चों को एक स्वच्छ, साफ और हम कह सकते हैं आज के जमाने का मॉडर्न जो स्कूल है वो यहाँ बिदासर के अंदर मिलेगा और काफी कुछ सुव्यवस्थित जो शिक्षा है, मीडियम है, माध्यम है, उन बच्चों का तरीके से जो कोऑपरेट है उन बच्चों को वो मिलेगा। यहाँ आज हम उनको उद्घाटन और बधाई के लिए शुभकामनाएं उनको देते हैं कि बचपन प्ले स्कूल इस बिदासर शहर में खुल गया। हमारे सामने जो बचपन प्ले स्कूल से जो फाउंडर है, इन कंपनी के जो बचपन प्ले स्कूल जो इनकी सोसाइटी जो बना रखी है, उनके दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। इनके बारे में परिचय जानेंगे और क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ यहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा उसके बारे में आप हमें जरूर, हमारे चैनल के दर्शकों को आप जरूर बताइए। आपका स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और आपके व्यूअर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं बचपन का, जैसा आप जानते ही और आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बताया कि बचपन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जैसा नाम भी बोलता है बचपन, तो हम बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहते। आजकल के इस युग में बच्चों के ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। मैं तो कम से कम ये चाहता हूँ और हमारी संस्था भी ये चाहती है कि बच्चों के चेहरे से कभी हंसी गायब ना हो, दे शुड स्माइल, राइट। अब इसी स्माइल को कायम रखने के लिए यहाँ पर भी एक बचपन स्कूल का शुभारंभ किया गया, आज ही इनॉग्रेशन थे और बहुत सारे गणमान्य लोग अपना आशीर्वाद देने हमारे पास आए, हमारे स्कूल में आए, विजिट किया और मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए थे सब लोगों ने प्रेज किया और सब लोगों ने ये बोला कि बिदासर और आसपास की जगह पे भी जब हम बात करते हैं, बचपन स्कूल अपने बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और हमने इस तरीके का स्कूल पहले बचपन के अलावा कहीं नहीं देखा। बचपन ऑल ओवर इंडिया, जब हम पूरे भारत की बात करते हैं, 1200 से ज़्यादा स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में रन करते हैं और जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं अभी कंपनी में एज अ जनरल मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और आई एम इनटू ट्रेनिंग, टीचर्स का ट्रेनिंग, नए स्कूल्स को इनॉग्रेशन करना, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम अपनी सारी की सारी ब्रांचेज में करते रहते हैं। बचपन में हम लोगों का कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल अलग से है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है। हम नहीं चाहते कि बच्चे अकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग हों और दूसरे एरियाज में वो लैक करें। अकेडमिक्स में हम लोग 1 to 100 डिपेंडिंग ऑन द क्लास कराते ही हैं। A to Z मीन्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे हम वर्क करते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का एक एडिशन देना नहीं है। हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास, जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसमें लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट हो, जिसमें स्कॉलिस्टिक स्किल का डेवलपमेंट हो, अकेडमिक स्किल का डेवलपमेंट हो, सेंसोरियल डेवलपमेंट हो, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो, मैनर्स और एटिकेट्स बच्चों के अंदर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना पहला स्कूल 2005 में स्टार्ट किया था और आज सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के प्यार से, साथ से 1200 से ज़्यादा स्कूल हमारे पूरे भारत में काम कर रहे हैं। हम लोग नेपाल में भी हैं, नेपाल में भी हमारे स्कूल अभी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये खुशखबरी जो है हम लोग देंगे कि भारत और नेपाल में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, लेकिन दो और कंट्रीज में हम लोग बहुत जल्दी अपनी ब्रांचेस को खोलने वाले हैं। इसके अलावा ये एक प्री प्राइमरी सेगमेंट है जिसमें हम प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG चलाते हैं। इसके बाद हमारा एक फॉर्मल विंग भी है जिसमें हम क्लास 1 to क्लास 12 तक की क्लासेस को रन करते हैं, जिसको हम अकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बोलते हैं। सब लोगों के साथ से हमने 2021 में ही अपनी एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, जिसमें जो हमारे तब के वाइस लाइक प्रेसिडेंट थे, राइट, श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने, उपराष्ट्रपति जो हमारे रहे, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया फॉर्मल। और सुरेश प्रभु जी, जो हमारे देश में
लाइक हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री भी रहे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के, आप लोगों की यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, राइट। और बहुत सारे गणमान्य लोग जिसको सारी दुनिया जानती है वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक गर्व की अनुभूति भी करता हूँ ये बोलते हुए कि हम लोग केजी से पीजी तक प्रेजेंट हैं, मींस किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम बच्चों को, पेरेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का साथ, लोगों का प्यार ये बताता है कि हम अपनी कोशिश में बहुत सही तरीके से ऑन द ट्रैक काम कर रहे हैं। मेरी आशा है कि जो बीदासर वाली ब्रांच है जिसको आज इनॉग्रेट किया गया, राइट, इसमें एक अच्छा रिस्पांस बहुत जल्दी हम लोगों को मिलेगा। मुझे एक ये पूरी पूरी आशा है आज के रिस्पांस देख के भी कि बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रांच भी ग्रोथ की तरफ जाएगी, जैसे हमारी अन्य ब्रांचेस। पास में बात करते हैं लाडनू, लाडनू की ब्रांच बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर गिविंग वंडरफुल एजुकेशन, राइट। देन आसपास के जितनी भी ब्रांचेस हैं, नागौर है, रतनगढ़ है, जितनी भी पास में ब्रांचेस हैं हमारी, सब द पीपल आर डूइंग वंडरफुल वर्क। और इसी तरीके से ये ब्रांच भी आप सब लोगों के सहयोग से फलेगी, फूलेगी और जिस चीज़ की बच्चों को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर काम करते हुए हम आगे की तरफ अग्रसर होंगे। आपके व्यूअर्स का मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का साथ रहा तो हम सब मिलके इसको एक सक्सेसफुल ब्रांच बनाएंगे। किस तरीके से जो छत्र के अंदर आज बिदासर के अंदर स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है, तो किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी रहेगी कि हम बचपन प्ले स्कूल के माध्यम से छत्रवासियों के बच्चों को ज़्यादा खुशी दे सकें? देखिए, जब हम खुशियों की बात करते हैं, हमारा नाम ही खुशियों वाला है, हमारा नाम है बचपन। हम बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये जो सबसे गोल्डन टाइम है बच्चों का, उनके जीवन में हमेशा रहे, बच्चे खेले। और कई बार लाइक मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एज अ पेरेंट मुझे भी ये लगता है कि मेरे बच्चों के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, कोई दुख उनको ना आए। हम एज अ पेरेंट बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम हमेशा बच्चों के साथ रहेंगे, आजकल शायद मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए लेकिन आज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ, कई बार कुछ बच्चों को इतना डेलिकेट, इतना कोमल बना दिया जाता है कि स्कूल ख़त्म होते ही जो लोग उनको लेने के लिए आते हैं, उनके अभिभावक, वो बच्चों के हाथों से बैग ले लेते हैं और बैग खुद हैंग करके, खुद टांग के बच्चों को लेकर के जाते हैं। उनको ये बिल्कुल लगता है कि बच्चा बहुत थक गया होगा और अब बैग नहीं उठा सकता है। लेकिन हम अपने टाइम की बात करें, हम 3-3 किलोमीटर चलते थे, भारी बैग होता था, और आजकल के बैग का वो भार नहीं है फिर भी, राइट, हम 3-3 किलोमीटर चलते थे। तो बच्चों को हमें स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, डेलिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्ट्रांगनेस की, जब हम बात करते हैं एक एक्सपोजर की, हम बच्चों से उनका बचपन तो नहीं छीनते, वो बिल्कुल सही बात है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर काम करते हुए हम ये मानते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी। बच्चों को जब स्कूल में आते हैं तो एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, अच्छी क्लासरूम की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल अप्रोच। जब हम लर्नर्स की बात करते हैं, अलग अलग तरीके के लर्नर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि टीचर्स के सामने अगर मैं बोलूं कि क्या आप ये मानते हो कि हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल सेम होता है, तो सारे के सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं, हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जब हम ये मानते हैं कि हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो ये भी मानना चाहिए कि हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होता है। कुछ वर्चुअल लर्नर्स होते हैं जो क्लासरूम में बैठ के कभी नहीं सीखते, उनको वर्चुअली सिखाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास स्मार्ट क्लास है। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो विजुअल नहीं सीखते, वो क्लासरूम में ऑडिटरी के थ्रू सीखते हैं, एक ऑडियो के माध्यम से सीखते हैं, हमारे पास वो भी प्रोविजंस है। कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही तरीका है सीखने का, वो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है। हमारे पास बहुत सारे, लगभग 138 मॉन्टेसरी टूल्स अवेलेबल हैं, और इन टूल्स के माध्यम से टीचर्स जो हमारे डायनेमिक टीचर्स क्लासेस में रहेंगे इस ब्रांच में भी, वो क्लास में तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ बच्चों को एजुकेशनल टूल्स के माध्यम से प्रैक्टिकल एजुकेशन देने का काम करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चा 3-4 घंटे तक क्लास में, उनको सुनना भी है, उनको बोलना भी है, उनको अपने आप को एक्सपोज ऑफ भी करना है
काम भी करना है। और जब बच्चा, देखो बच्चा एक जगह बैठने के लिए नहीं बना हुआ, राइट, बच्चे को मूवमेंट चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए। तो जब हम ये सारी की सारी जरूरतें बच्चों की पूरी करेंगे तो आपके सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है कि आप बच्चों को कैसे खुश रखेंगे। हम इसी तरीके से बच्चों को खुश रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बचपन पहले स्कूल से जो जनरल मैनेजर है वो सर, और बहुत कुछ